नमस्कार, आप देख रहे हैं सिर्फ टीवी। मैं हूं रविशंकर सिन्हा और आज फिर से हम कोरोना अपडेट को लेकर के यहां मौजूद हुए हैं। और बिहार में जो लगातार कोरोना मरीजों की बढ़ती हुई संख्या है वो अब डराने वाली स्थिति में आ चुकी है। और हम बता दें कि भागलपुर में जो पुराना रिकॉर्ड था सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए कल का जो रिपोर्ट आई, कल की जो जांच रिपोर्ट आई है उसमें 305 नए कोरोना संक्रमित भागलपुर से मिले हैं। जबकि अगर हम बात राजधानी पटना की करें तो वहाँ 1382 मरीज कल पाए गए हैं। इसके साथ ही लगातार जो है कोरोना संक्रमित मरीजों की जो संख्या है उसमें लगातार वृद्धि होती जा रही है। और गया और मुजफ्फरपुर की भी स्थिति बेहतर नहीं है, वहाँ भी काफ़ी तेजी से कोरोना मरीज की संख्या बढ़ रही है। हम बता दें कि भागलपुर में अभी 779 कोरोना एक्टिव मरीज यहाँ मौजूद हैं फिलहाल। कई मरीज ऐसे हैं जो कि ठीक भी हो चुके हैं, लेकिन वर्तमान में जो है 779 मौजूद हैं। और इसमें से कल की जो रिपोर्ट आई है उसमें 3 मरीजों की डेथ भी हो चुकी है, जिसमें 2 वृद्ध बुजुर्ग थे और 1 बच्ची की मौत हुई है। तो इसको हम देख सकते हैं कि पहले जो कोरोना की स्थिति थी और अब जो है उसमें ये अंतर ये है कि इस बार डेथ रेट ज़्यादा देखा जा रहा है। और ये ना सिर्फ भागलपुर और बिहार, पूरे देश में ये स्थिति देखी जा रही है। और पूरे बिहार में 14,000 से अधिक कोरोना संक्रमित मौजूद हैं फिलहाल, अभी अगर वर्तमान रिकॉर्ड इसका देखा जाए तो। और भागलपुर में जो यार कल का जो रिकॉर्ड आया है उसके बाद स्थिति बिल्कुल डराने वाली हो चुकी है। हालांकि इसके बावजूद लोग सड़कों पर, कई लोग ऐसे हैं जो बिना मास्क के देखे जा रहे हैं। सरकार और जिला प्रशासन की जो गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए पूरी तरीके से नहीं देखे जा रहे हैं। हर स्थिति ऐसी हो रही है कि जिसके कारण सरकार को, हालांकि इसके लिए सरकार ने पहले ही कर दिया है कि लॉकडाउन की स्थिति ना आए, इसके लिए लोग सतर्क हो जाएं। लेकिन अगर स्थिति यही इसी रफ्तार में बढ़ती रही, इसी तरह से अगर कोरोना मरीजों की संख्या में वृद्धि होती रही तो हो सकता है कि सरकार को आने वाले समय में और भी कड़े कदम उठाने पड़े, जिसके लिए हम खुद भी जिम्मेदार होंगे। हालांकि सबसे बड़ी समस्या यह है कि कोरोना संक्रमण एक ऐसी समस्या बन चुकी है जिससे ना सिर्फ हम प्रभावित होते हैं, हमारे परिवार, समाज और हमारे देश के लोग भी इससे प्रभावित होते हैं। इसलिए सभी लोगों से हम सिर्फ टीवी की ओर से अपील करते हैं कि जो कोरोना की गाइडलाइन है, सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई कोविड गाइडलाइन, उसका सभी लोग पालन करें, पूरी तरीके से पालन करें, जिससे कि इस कोरोना महामारी से हम लड़ सकें। और पहले भी जिस तरीके से हमने सफलता पाई थी, काफ़ी हद तक दुनिया भर में अगर देखा जाए तो भारत की स्थिति बेहतर थी, हम जनसंख्या के आधार पर हमारी स्थिति बेहतर थी। लेकिन उसके बावजूद जब लोग लापरवाह हो गए, जब स्थिति में सुधार आया तो उसके कारण लोग पर लापरवाही एक नई समस्या के रूप में आई। और इस बार दूसरा जो फेज है, दूसरा जो स्ट्रेन है कोरोना का, वो बड़ी समस्या बनकर आ रही है। और इसके साथ ही आगे भी जो कोरोना से संबंधित जो जानकारी होगी हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।